अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल। तो डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनदर कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डायफ्राम सेल से हमने प्रिपेयर करना है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले हमने पर्पस को देखना है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल डायग्राम, फिर कंस्ट्रक्शन को देखना है, देन उसके बाद उसकी वर्किंग को देखेंगे, और लास्ट में हमने देखना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम जो है जब डायफ्राम सेल को परफॉर्म कर रहे होंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड को नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कौन कौन से प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और उनका सोल्यूशन क्या होगा, यह भी हमने लास्ट में देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्पस क्या होता है। तो डायफ्राम सेल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम NaOH कह देते हैं उसको, या कास्टिक सोडा कह देते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए इस डायफ्राम सेल को इस्तेमाल करते हैं या नेल्सन सेल को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसके बाद है जी रॉ मटेरियल, कि इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल जो है वो किस चीज़ को इस्तेमाल करना है जिसकी मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। तो इसके अंदर एक ही रॉ मटेरियल है, ब्राइन। तो ब्राइन होता क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर कह देते हैं स्पेसिफिकली, कि वाटर के अंदर जब NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब NaCl को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर डालना है, तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है वो डेफिनेटली लिक्विड होता है, मोस्टली केसेस के अंदर यही होता है कि वाटर हम लेते हैं, और जो सोल्यूट होता है वो हम लिक्विड भी ले सकते हैं या फिर हम क्या लेते हैं, ज़्यादातर सॉलिड लेते हैं। तो यहाँ पर NaCl जो है वो नमक जिस तरह होता है तो वो सॉलिड होगा, और सॉलिड जो है सोल्यूट के तौर पर होगा। अगर हम सोल्यूट को ज़्यादा मिकदार के अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, और अगर हम सोल्यूट को कम रखेंगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो यहां पर हमने कंसंट्रेटेड का कहा है, तो मतलब ज्यादा NaCl जो है वो डालना है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ब्राइन हमने लिया है, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, और इससे हम क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं जो कि हमारे रिएक्शन के लिए जरूरी होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन हमने पीछे वाला जो डाउन सेल पढ़ा था, अभी रिसेंट जो हमने टॉपिक देखा है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमने NaCl मोल्टन यानी फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर लिया था। जब मोल्टन या फ्यूज फॉर्म के अंदर लेते हैं या कंसंट्रेटेड ब्राइन फॉर्म ले रहे हैं तो इसमें चेंजिंग क्या आती है, ये हमने देखना है। तो NaCl जो फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म होता है उसको जस्ट आपने हीट करना है और वो मेल्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली जब भी सोडियम क्लोराइड या कोई भी लिक्विड जो है मेल्ट होता है, आयनिक कंपाउंड जो है वो मेल्ट होता है तो उसके आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वहां पर बन जाएंगे। लेकिन जब ब्राइन यानी NaCl सॉलिड है उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो भी डेफिनेटली क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो चेंजिंग यहां पर ये आई है कि NaCl को जब मेल्ट करेंगे तो वो खुद ही सिर्फ क्या बना देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना सकता है, लेकिन जब उसको वाटर में ऐड करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो बनाएगा, लेकिन जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जो वाटर होता है हमारे पास वो भी थोड़ा बहुत आयोनाइज हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का रुझान ज़्यादा रखता है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सल आयन जो है वो बना सकता है, जिसकी मदद से हम हाइड्रोक्सल आयन और सोडियम आयन को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल जो है हमने क्या यूज़ करना है, ब्राइन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर जो है हमने यूज़ करना है, और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ये क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है और हाइड्रोक्साइड आयन डेफिनेटली वाटर से आएंगे, तो इसलिए हमने क्या यूज़ करना है, ब्राइन यानी वाटर का, वाटर के अंदर NaCl का सोल्यूशन यूज़ करना है। फिर उसके बाद है जी डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपने करना क्या है, मतलब ये डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आपने बनानी है। तो ये हमने पहले तो रेड कलर का जो है ये आपने बनाना है, ऑब्लॉन्ग शेप जो है परफोरेटेड आयरन का भी हो सकता है, या फिर एक और जो मटेरियल है हम यूज़ करते हैं स्टील भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो परफोरेटेड आयरन या स्टील का कैथोड होगा और ये ऑब्लॉन्ग शेप है, ऑब्लॉन्ग शेप यानी यू शेप का जो है हमारे पास क्या है, अगर दो यू आपस में मिला दें तो डेफिनेटली इस तरह का ही शेप बन जाएगा, तो ऑब्लॉन्ग शेप कह सकते हैं और या हम यू शेप कह सकते हैं, और परफोरेटेड होता है आयरन या स्टील का कैथोड जो है वो बना होता है, और परफोरेशन जो है हर जगह पर नहीं करनी, बस बॉटम के अंदर करनी है ताकि सोल्यूशन जो है कोई चीज जो बचती है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, वो आगे हम चल के देखेंगे कि कैसे बचेंगे, तो वो नीचे आके रिएक्शन करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड
बना सके, ठीक है जी। तो परफोरेशन जो है वो बॉटम के अंदर कर देनी है हमने। फिर उसके बाद अब ये जो परफोरेशन की है, फिर उसके डेफिनेटली कैथोड हो गया, तो हम एनोड की पहले बात कर लेते हैं। चलो तो एनोड जो है हमने ग्रेफाइट का बनाना है, ये जो ब्लू कलर के दिखा रखा है, तो ग्रेफाइट जो है वो सेंटर में हमने लगा रखा है इस कैथोड के, और ये डिप हुआ हुआ है, मतलब डूबा हुआ है NaCl के सोल्यूशन के अंदर, यानी ब्राइन का जो सोल्यूशन है वो डेफिनेटली उसके अंदर डिप हुआ हुआ है, ठीक है जी। फिर यहां पर हमने एक ओपनिंग रखी है जो कि क्लोरीन गैस के लिए है, तो क्लोरीन गैस जो भी बनेगी वो सारी की सारी वहां से निकल जाएगी। फिर यहाँ पर हम एक और ब्लैक टाइप थोड़ा सा रिंग फॉर्म में मैंने दिखा दिया है, और ये जो होता है इसको कहते हैं हम एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर परफोरेशन है और एस्बेस्टॉस को यूज़ नहीं करते, तो सारे का सारा सोल्यूशन जो रिएक्टेड है, जो अनरिएक्टेड है, सारे का सारा जो है वो नीचे चला जाएगा। लेकिन हमने सारा का सारा जो है वो नीचे नहीं पहुँचाना, कुछ जो है वो ऊपर भी रखना है जो कि आपस में रिएक्शन कर सके, ठीक है जी। तो अनरिएक्टेड जो चीज़ें हैं, सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं, उनको हमने नीचे पहुंचाना है। तो एस्बेस्टॉस एक किस्म का सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है, कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है और कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देती। तो ऐसे ही ये जो एस्बेस्टॉस है इस तरह काम करेगा कि कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देगी, मतलब वो नीचे चले जाएंगे जैसे सोडियम और हाइड्रोक्साइड, और कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देगी, ठीक है जी। तो यहां पर जो है वो एस्बेस्टॉस का मकसद समझ में आ गया कि कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है, सारी चीजें जो है वो नीचे ना जाए। फिर उसके बाद यहां पर जो है वो हमने कैच बेसन लगा रखा है। अब कैच बेसन डेफिनेटली जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आएंगे वो कैच बेसन के अंदर ही हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टील टैंक जो है हमने ओवरऑल यूज कर रखा है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस के लिए एक आउटलेट बना रखा है ताकि वहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल सके, ठीक है जी। ओवरऑल यही जो है वो हमारे पास क्या होता है, सेल का सेटअप होता है। और यहाँ पर जो कैथोड है, सॉरी एनोड ग्रेफाइट का जो बना हुआ है कार्बन का, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा बैटरी के। और यहाँ पर हमने जो कैथोड है, जो ये रेड कलर का जो बनाया है, वो डेफिनेटली नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है डेफिनेटली, तो हमें इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और रिएक्शन होंगे, ठीक है जी। तो गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल होता है ना, तो उसके अंदर ये होता है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं और हमें करंट मिलता है। लेकिन ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि हमें करंट देना पड़ता है बैटरी की मदद से, और साथ में कुछ रिएक्शन होते हैं और कोई चीज़ें बन जाती हैं, प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पूरा जो है वो सेटअप हो गया। फिर उसके बाद हमने देखना है कि कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो डायग्राम हमने बनाई है या जो हम इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई करते हैं इस प्रोसेस को, तो क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए हैं हमें। तो सबसे पहले ग्रेफाइट का एनोड चाहिए है, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है। तो एनोड जो है वो किस चीज़ का बना होना चाहिए, ग्रेफाइट का। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अ स्टील ऑब्लॉन्ग शेप कैथोड जो के परफोरेटेड होगा, ठीक है जी। स्टील का भी हो सकता है या आयरन का, हमने क्या यूज़ करना है, कैथोड यूज़ करना है, और नीचे से वो क्या होगा, परफोरेटेड होगा बॉटम से परफोरेशन। वो मैंने आपको बता दिया कि परफोरेशन क्यों है, कि नीचे मटीरियल जा सके कुछ। फिर उसके बाद एस्बेस्टॉस मटेरियल यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो परफोरेशन है उस पर हमने ब्लैक कलर का एस्बेस्टॉस लगा दिया है। फिर उसके बाद टू ओपनिंग जो है हमने बनाई है, एक Cl2 के लिए और एक हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर हमने Cl2 के लिए बना ली है क्लोरीन गैस के लिए, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस के लिए ओपनिंग बना ली है, ताकि जो चीज़ें बचेगी, मतलब जो गैसेज बन रही हैं, उनको हम बाहर निकाल सके, जो आइंस है वो आपस में रिएक्शन कर सके, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है कैच बेसन। तो कैच बेसन जो है डेफिनेटली किस चीज़ के लिए होगा, कि जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए चाहिए हैं, वो सारे जो है अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर वो नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे है जी, हॉट एयर इज ब्लोन टू क्लियर द परफोरेशन। अब बाजू का क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें फंस जाती है, क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन गैस या कोई और चीज़ें फंस जाती है, तो सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं। तो उन सुराखों को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉट एयर इज ब्लोन टू क्लियर द परफोरेशन। परफोरेशन को क्लियर करने के लिए, सुराखों को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, जो हॉट एयर है वो चलाते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी वर्किंग, के वर्किंग जो है वो कैसे काम करेगी, मतलब ये जो है हमारा सेटअप वो कैसे काम करेगा। तो उसके अंदर सबसे पहले है जी, इंट्रोड्यूस द ब्राइन सॉल्यूशन इन स्टील टैंक एंड अप्लाई करंट। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर जो है ये जो ग्रीन कलर का मैंने दिखा रखा है, ये ब्राइन है, NaCl का सोल्यूशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने जो स्टील का जो आयरन कैथोड है, आयरन का कैथोड है या स्टील का कैथोड है, उसके अंदर हमने NaCl को डाल दिया है और फिर करंट को अप्लाई कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल को अप्लाई कर दिया है, तो डेफिनेटली करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से रिएक्शन होने हैं। अब तो होगा क्या कि क्लोरीन, अब यहां पर
एक के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है और एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो नेगेटिव चार्जेस जो नेगेटिव आइंस बनेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है हमारे पास, दोनों आइंस है और साथ में वाटर भी मौजूद है, तो उसको भी हमने देखना है अभी फिलहाल। लेकिन Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है और हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है ये हम देख लेते हैं। चले तो हमारे पास चार तीन चीज़ें कौन कौन सी है, Na पॉजिटिव ठीक है जी, प्लस Cl नेगेटिव, प्लस हमारे पास वाटर मौजूद है ठीक है जी। वाटर तो डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद होगा, तो यहाँ पर तीन चीज़ें जो है हमारे पास मौजूद है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और वाटर। अब हमने देखना है कि कैथोड की तरफ कौन सी चीज़ें जाएंगी और एनोड की तरफ कौन सी चीज़ें जाएंगी। हमें पता है कि Cl नेगेटिव जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज की तरफ यानी एनोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। और वाटर जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को इनटेक करता है, वो लूज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये वाटर का तो चांस है ही नहीं ठीक है जी। और सोडियम जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आने, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार है, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। तो जो Cl नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव यानी ग्रेफाइट एनोड की तरफ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को वहां पर देगा और उसकी ऑक्सीडेशन होगी ठीक है जी। तो हमें पता है कि एनोड पर हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा क्या होती है रिडक्शन। तो Cl नेगेटिव ने जाना है ग्रेफाइट एनोड पर, वहां पर वो Cl नेगेटिव जो है अपने इलेक्ट्रॉन देकर और Cl एटम बनाएगा और Cl एटम जो है मिलकर क्या बना देंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे यानी गैस बना देंगे और उस गैस को हम बाहर निकाल देंगे। तो अब हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है आया है हमारे पास ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि क्लोरीन आइंस मूव टुवर्ड्स एनोड, वो जो ग्रेफाइट का बना हुआ है ब्लू कलर का, तो उसकी तरफ जाएंगे एंड गिव इलेक्ट्रॉन एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रॉन को देंगे और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगी और क्लोरीन की जो गैस है या मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा और उसको हमने बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर। अब यहां पर दूसरा जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन को देना है, दूसरा है एक्सेप्ट करने वाला। अब सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और वाटर भी क्या कर सकता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो देने का रुझान कम रखता है लेकिन लेने का रुझान बराबर रखता है तकरीबन ठीक है जी। तो Na पॉजिटिव और साथ में वाटर आ गया है, अब दो का कंपटीशन हो गया है। तो डेफिनेटली हमारे पास अगर दो का कंपटीशन होता है तो जैसे हम एक पतला बंदा होता है और एक मोटा बंदा होता है, दोनों का कंपटीशन करवाएंगे तो पतला बंदा पहले रेस जो फिनिश लाइन होगी उस पर पहले पहुंच जाएगा क्योंकि उसका मास कम है ठीक है जी, और मोटा बंदा देर से पहुंचेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा कि यहां पर मासेस के लिहाज से हम देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 या आयनिक मास कह देते हैं तो 23 है और यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, तो इसका मास है 18 और इसका मास है कितना 23 ठीक है जी। तो इसका मास है 23 और इसका है 18, तो डेफिनेटली 18 वाला जो मास है वो कम है तो इसलिए 18 वाला जो है वो पहले पहुंचेगा और पहले इलेक्ट्रॉन को अपटेक करेगा, इनटेक करेगा या गेन करेगा। तो वाटर एंड सोडियम बोथ हैज एबिलिटीज टू गेन इलेक्ट्रॉन ठीक है जी, वाटर और जो सोडियम है दोनों के पास क्या है एबिलिटीज है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज लेस, जो मॉलिक्यूलर मास वाटर का है हमने कहा 18 है और आयनिक मास इसका कितना है 23, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होता है इज लेस, सो इट रीचेस फर्स्ट एट कैथोड टू गेट रिड्यूस, तो ये पहले कैथोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन को अपटेक करता है और रिड्यूस हो जाता है एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो वाटर जो है दो इलेक्ट्रॉन अपटेक करके हाइड्रोजन गैस और साथ में हाइड्रोक्सल आयन बना देगा और हाइड्रोजन गैस को हमने डेफिनेटली यहां से इस ओपनिंग से हमने बाहर निकाल देना है, क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद रिमेनिंग टू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, अब यहां पर बाकी चीजें बची क्या है, यहाँ पर एक नई चीज जो बनी है OH नेगेटिव आयन बने हैं और साथ में Na पॉजिटिव आयन पहले से बचे हुए हैं। Cl नेगेटिव तो क्लोरीन गैस में निकल गई, अब वाटर जो है वो किस चीज में बन गया, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोजन गैस भी निकल गई, बाकी बचा क्या है हाइड्रोक्सल आयन और साथ में जो पीछे मास की वजह से रह गया था Na पॉजिटिव आयन। अब ये दोनों चीजें जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी ठीक है जी, तो द रिमेनिंग टू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस मूव डाउनवर्ड एंड वी कलेक्ट देम इन कैच बेसन ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो है मूव डाउनवर्ड हो गए और यहाँ पर कैच बेसन के अंदर हम इनको कलेक्ट कर लेंगे और Na पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देंगे 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा जो है वो बना देंगे और इस तरह हम कास्टिक सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जो डायफ्राम सेल है इसको जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं हम, तो कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स वी फेस इन नेल्सन आर डायफ्राम सेल एंड देयर सॉल्यूशन जो है वो साथ साथ मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो यहां पर ये है कि क्लोरीन
एंड हाइड्रोक्सल आयंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म हाइपोक्लोराइट आयन। जो क्लोरीन यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर क्या बनता है हाइड्रोक्सल आयन, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। बात बात क्या होता है कि क्लोरीन को निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन भी बन रही होगी क्योंकि वाटर यहीं पर है और यहीं पर रिएक्शन होना है। तो वाटर जो है जो हाइड्रोक्सल आयन बना रहा होगा, हाइड्रोक्सल आयन और क्लोरीन गैस जो बनी है वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना देते हैं हमारे पास क्लोरीन जो है हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिलकर हाइपोक्लोराइट आयन बना देते हैं, वाटर और साथ में क्लोराइड आयन। अब ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है डेफिनेटली ये इम्प्योरिटी है और ये सॉल्यूशन के जो हमारा परफेक्ट यील्ड होगी वो नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइपोक्लोराइट आयन डेफिनेटली आयंस है और वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो डेफिनेटली नीचे जाना है, और जब वो कैच बेसन के अंदर जाएगा तो वो सोडियम या दूसरे हाइड्रोक्सल आयन के साथ रिएक्शन करके कुछ और चीज़ें भी बना सकता है जो कि इम्प्योरिटी के तौर पर होगा, तो हमारा प्योर प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो क्लोरीन और हाइड्रोक्सल आयन जो है रिएक्ट करती है आपस में और क्या बना देती है हाइपोक्लोराइट आयन, और ये हमें नहीं बनाना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन OCl नेगेटिव आयन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एस्बेस्टॉस मटीरियल। द एस्बेस्टॉस मटीरियल प्रोवाइड सेपरेशन बिटवीन OH एंड Cl2 आयन। ठीक है जी, तो एक एस्बेस्टॉस का और काम आ गया हमारे पास। पहले तो हमने देखा था कि कंट्रोल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम कर रहा है। दूसरा ये है कि जो OH नेगेटिव आयंस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, और यहाँ पर जो क्लोरीन गैस बन रही है इनको आपस में सेपरेट करके रखता है, दोनों आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो हाइपोक्लोराइट आयन बनेगा नहीं, तो क्लोरीन गैस जो है वो ऊपर निकल जाएगी और जो हाइड्रोक्सल आयन है जो बनेंगे वो नीचे आ जाएंगे और कैच बेसन के अंदर सोडियम आयन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेकंड जो प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं वो है द हाइड्रोक्सल आयन जो है मूव टूवर्ड एनोड। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं, अब डेफिनेटली कंपटीशन आ सकता है क्योंकि ये भी Cl नेगेटिव है, ये भी OH नेगेटिव है और दोनों में कंपटीशन हो सकता है कि OH नेगेटिव भी नेगेटिव है वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और Cl नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अगर ये पहले बन जाए तो डेफिनेटली अब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के अंदर एक कंपटीशन आ जाएगा कि कौन पहले जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसका मास कम होगा वो पहले रीच करेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका आयनिक मास बनेगा 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 और इसका होता है 35 के राउंड अबाउट। ठीक है जी, तो इसका मास जो है वो कम है तो डेफिनेटली इसने पहले रीच करना है और ये पहले जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर ये पहले रीच करता है और डेफिनेटली करेगा अगर हो सकता है, ठीक है जी, तो OH नेगेटिव आयंस मूव टूवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन जो है वो टेक्स प्लेस और 4 OH नेगेटिव आयंस जो है वो क्या बना देंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब कैसे बनाते हैं ये हम देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है जी, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल आयन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन है, ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब होता क्या है, ये वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए और ये जो है क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये जो 4 हाइड्रोक्सल आयन है 2 वाटर के मॉलिक्यूल और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो बना देते हैं। मैंने आपको शो कर दिया कि कैसे बना सकते हैं, वैसे इतना कोई खास ये लिखना नहीं है, आपने यही लिखना है बाकी। तो फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो हाइड्रोक्सल आयन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो डेफिनेटली अब Na पॉजिटिव के साथ क्या मिलना है, Na पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव आयन ने मिलना है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो डेफिनेटली NaOH की जो प्रोडक्ट है, जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट अगर कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा मेन मकसद है कि NaOH को तैयार करना जितना ज़्यादा हो सके। तो अगर OH नेगेटिव आयन यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, ये यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली इसकी यील्ड कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इसको रिएक्ट नहीं करवाना। तो कैसे रिएक्शन नहीं करवा सकते, कि इट इज़ सॉल्व बाय कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर सो OH नेगेटिव आयन कैन नॉट मूव टूवर्ड एनोड। ठीक है जी, तो हम करते क्या है, एनोड वाला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो ब्राइन का लेवल है थोड़ा सा हाई रखेंगे। ठीक है जी, जब हाई लेवल होगा तो जो OH नेगेटिव है नीचे वाले लेवल के अंदर है तो डेफिनेटली OH नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लेवल हाई है। लेवल हाई होते हैं तो हमें कॉमनली ऑब्जर्वेशन भी यही है कि अगर लेवल एक चीज़ का हाई है और एक चीज़ का लो है तो वाटर कभी भी लो से हाई की तरफ मूव नहीं कर सकता, और अगर लो से हाई की तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली OH नेगेटिव आयन भी मूव नहीं कर पाएंगे एनोड की तरफ, और अगर एनोड की तरफ मूव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते और वो नीचे चले जाएंगे और OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो है वो मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देंगे जो कि हमने प्रिपेयर करना था। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डायफ्राम सेल की मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा या हम क्या कह देते हैं कि NaCl से हमने प्रिपेयर किया है ब्राइन सॉल्यूशन से। ठीक है जी,
तो ये था हमारे पास डायफ्राम सेल। तो मिलते हैं एक खास नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।